बाहर कनाडा के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। जो झूठ गला फाड़ फाड़ के वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की ओर से कहा जा रहा था, उसको उन्होंने खुद ही यहां पर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे पास किसी तरह के पुख्ता सबूत नहीं थे, इंटेलिजेंस इनपुट्स यहां पर थे और उन्हीं के बारे में जिक्र जो है वो आगे किया गया था, खुफिया जानकारी ही मौजूद थी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जांच आयोग के सामने गवाही में ये बात कबूल करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा ने भारत को कोई ठोस सबूत दिया नहीं है, सौंपा नहीं है, जिसकी बात पहले की जा रही थी। और ये कबूलनामा ट्रूडो का इसीलिए अहम है क्योंकि कनाडा ने यह दावा किया था कि उसने निज्जर हत्याकांड से जुड़े कई सबूत भारत को दिए थे। ट्रूडो का वो झूठ अब पूरी दुनिया के सामने उन्होंने खुद ही उजागर कर दिया है। तो भारत की सख्ती के बाद जस्टिन ट्रूडो के सुर बदल गए हैं, यूं कहें कि अब हेकड़ी निकल गई है। निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत और भारतीय राजनयिकों पर बेतुके आरोप लगाने वाले ट्रूडो ने और क्या क्या कबूल किया, चलिए वो भी ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो भारत के खिलाफ जस्टिन ट्रूडो के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। निज्जर की हत्या से जुड़े सबूत भारत को नहीं दिए थे, जो बार बार भारत कह रहा था वही बात अब ट्रूडो ने खुद भी कबूल किया है। जांच आयोग के सामने गवाही जब ट्रूडो ने दी तो ये कबूलनामा किया कि हमने कोई सबूत सामने नहीं रखे थे क्योंकि वो है ही नहीं। आरोप लगाते वक्त केवल जो खुफिया जानकारी मिली थी उसको सामने रखा गया था। ट्रूडो ने यह भी कहा, आरोप साबित करने वाले कोई ठोस सबूत हमने भारत को नहीं दिए हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए तमाम डिटेल्स हम आपके सामने रख रहे हैं, यानी कि भारत ने जब सख्ती दिखाई, भारत ने साफ साफ कहा है कि भारत और कनाडा के रिश्तों को खराब करने के लिए कनाडा और ट्रूडो जिम्मेदार हैं। We chose to continue to work behind the scenes to try and get India to cooperate with us. Their asks of us was, well, how much do you know? Give us the evidence you have on this. And our response was, well, it's within your security agencies. You should be looking into how much they know. You should be engaging. It's, oh, no, no, tell us what you know. Show us the evidence. And at that point, it was primarily intelligence, not hard evidentiary proof. So we said, well, you know, let's work together and look into your security services and maybe we can get that done. No, 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 we're not doing that. और देखिए ये बयान सामने आता है जस्टिन ट्रूडो का, उसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से सवाल किए गए कि आखिर भारत और कनाडा के बीच में जो ये रिश्ते खराब हुए हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये दोष जो है वो सीधे सीधे जस्टिन ट्रूडो पर मढ़ा गया है। और मढ़ा क्या गया है, सही बात है ये कि जिस तरह से रिश्ते खराब करने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार वही है। और देखिए विदेश मंत्रालय की तरफ से जो कहा गया है वो भी आपको बताते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने जो सुना है वो केवल इस बात की पुष्टि करता है जो हम हर समय कहते हुए आ रहे हैं, इससे पहले भी जो हमने बातें कही ये उसी की पुष्टि करता है। कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों पर लगाए गए गंभीर आरोपों के समर्थन में हमें कोई सबूत नहीं दिए हैं। कनाडा ने बिना सबूतों के इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए। एक बार फिर से विदेश मंत्रालय ने यह साफ कहा है, भारत कनाडा संबंधों को जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी जस्टिन ट्रूडो की है, यानी दोनों देशों के बीच जो संबंध में तनातनी आई है उसके लिए पूरी तरह से जवाब दे और जिम्मेदार जस्टिन ट्रूडो है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से एक बार फिर से सामने रखी है। और देखिए जस्टिन ट्रूडो का जो खालिस्तानी प्रेम है इसके बारे में पोल उनके एक सांसद ने भी खोली है, कनाडा के सांसद है, उनकी ओर से बयान जो है वो भी यहां पर सामने आते हैं। भारतीय मूल के कैनेडियन सांसद हैं चंद्रा आर्या, उन्होंने खुलासा किया है कि ट्रूडो के खालिस्तानी प्रेम से कनाडा के हिंदुओं पर खतरा किस तरह से मंडरा रहा है। हिंदू समुदाय जो है कनाडा में वो लगातार डरा हुआ है। चंद्रा आर्या की ओर से जो कि कनाडाई सांसद हैं ये बयान आया सामने, खालिस्तानी चरमपंथ से कनाडा का हिंदू समुदाय दहशत में है, खालिस्तानियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने का खुलासा भी इनकी ओर से किया गया और कहा हिंदुओं की चिंताएं खुद उन्होंने महसूस की। I have heard concerns from Hindus across Canada regarding recent developments. As a Hindu member of parliament, I too have experienced these concerns firsthand. Last week, I could safely participate in a Hindu event in Edmonton only under the protection of RCMP officers as a group of Khalistani protesters staged a disruptive demonstration against me. In Canada, we have long recognized the serious problems of Khalistani war. और अब खबर